हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्पोर्टलाइट में। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स का दूसरा मुकाबला जो कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाला है। जी हां दोस्तों, यह मुकाबला जो कि 25 सितंबर को खेला जाएगा अबू धाबी में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स में कौन सी टीम है बाजी और कौन सी टीम जीतने वाली है अबू धाबी वाला मुकाबला। तो दोस्तों इसी पर आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी खबरें लाते रहते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे है उस पर आप फॉलो जाकर कर लीजिए। और दोस्तों अगर आईपीएल से जुड़े और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो यह वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की, तो दोस्तों अभी तक कुल 23 मुकाबला खेला गया है राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने दोस्तों 12 मुकाबला जीता है, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 11 मुकाबला जीता है। तो दोस्तों बात करें दोनों टीमों का प्लेइंग 11 की तुलना, तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले ओपनर्स को। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे लियाम लिविंगस्टन, यशस्वी जायसवाल। वहीं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे पृथ्वी शाह और शिखर धवन। जी हां दोस्तों, बात करें दोनों टीमों के ओपनर्स के पॉइंट्स को, तो हम राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स को देंगे 10 में से 9, वहीं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर्स को देंगे 10 में से 10। वहीं दोस्तों मिडिल ऑर्डर की बात करें तो नजर आएंगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से संजू सैमसन, ग्लेन फिलिप्स और रियान पराग। वहीं दोस्तों मिडिल ऑर्डर में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नजर आएंगे स्टुई स्मिथ, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत। दोस्तों दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर की तुलना करें तो राजस्थान रॉयल्स की थोड़ा सा कमजोर है दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले। तो दोस्तों बात करें मिडिल ऑर्डर के पॉइंट्स के, तो दोस्तों हम राजस्थान रॉयल्स को देंगे 10 में से 9, वहीं दोस्तों हम दिल्ली कैपिटल्स के मिडिल ऑर्डर को देंगे 10 में से 10। वहीं दोस्तों बात करें लोअर ऑर्डर की, तो दोस्तों वहां पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से नजर आएंगे राहुल तेवतिया, अनुज रावत और क्रिस मॉरिस। वहीं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से नजर आएंगे लोअर ऑर्डर में मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल और रविचंद्र अश्विन। तो दोस्तों बात करें दोनों टीमों का लोअर ऑर्डर तो बेहतरीन है। तो दोस्तों बात करें पॉइंट्स के, तो दोस्तों हम राजस्थान रॉयल्स को लोअर ऑर्डर को देंगे 10 में से 10, वहीं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के भी लोअर ऑर्डर को देंगे 10 में से 10। वहीं दोस्तों बात करें दोनों टीमों का टैलेंटर का, तो दोस्तों वहां पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से नजर आएंगे चेतन सकारिया, कार्तिक त्यागी और मुस्तफिजुर रहमान। वहीं दोस्तों दिल्ली की तरफ से टैलेंटर में नजर आएंगे कागिसोर अबडा, ए नटोरजिया और ईशांत शर्मा। तो दोस्तों बात करें दोनों टीमों के टैलेंटर का, तो ज्यादा अनुभवी दिख रही है दिल्ली कैपिटल्स की टैलेंटर। तो दोस्तों बात करें पॉइंट्स के, तो दोस्तों हम राजस्थान रॉयल्स के टैलेंटर को देंगे 10 में से 9, वहीं दोस्तों हम दिल्ली कैपिटल्स को देंगे टैलेंटर को 10 में से 10। तो दोस्तों बात करें यह मुकाबला कौन जीत सकता है, तो दोस्तों बात करें तो दोनों के बीच बेहद ही कड़ी टक्कर होता है हमेशा से, लेकिन बात करें यह मुकाबला थोड़ा सा पलड़ा दिल्ली कैपिटल्स का भारी है इस मुकाबले में। लेकिन दोस्तों राजस्थान रॉयल्स को भी कम समझना भूल होगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का भी टीम बेहतरीन है और वह पलटवार कर सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन जीतेगा यह मुकाबला, दिल्ली कैपिटल्स या राजस्थान रॉयल्स, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों ये खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।